आगे जाओ आगे जाओ, ऐसे बोलना जैसे हनी बोलता बड़े अच्छे से। हाँ, नाच नाच के बोलना। आओ बोलो, ढंग से बोलो, जोर जोर से। मैं बोर हो गया घर से। जोर से, जोर से बोल। मैं घर में बोर हो गया, अब लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ जाओगे, कहाँ जाना चाह रहे हो बताओ। चप्पल चोरी हुई, जहाँ चप्पल चोरी हुई तो उस मंदिर में जाना चाह रहे हो, तो फिनिक्स मॉल में चलें, वहाँ ऑफर चल रहा होगा 6 से 7 का, चाय की पत्ती ले आएंगे। चलें, मुझे क्या कह रहा है तू, क्यों गुस्से हो रहा है? मंदिर जाऊंगा बस, सोच लो। मंदिर जाएगा, ये तो मंदिर जाएगा धारण। मंदिर खुला होगा, वो बंद है। मॉल चलेंगे फिर, वो जहाँ गाड़ी में घूमे थे आप, वहाँ चलेंगे। वहाँ जो मंदिर है ना, वहाँ से कार लेगा, सुई जाएगा। कार की वजह से जा रहे हो? गाइस ये जा रहे हैं कार की वजह से, इन्हें चाहिए कार। कार की वजह से जाना चाह रहे हैं मंदिर, तो कार तो नहीं मिलेगी क्योंकि आपने किंडर जॉय ले लिया है, मैंने मना किया था। मम्मा ने कुछ कुछ जीत दिया है कि आपने बोला था मैं सबको दिखा दूंगी, क्यों बोला था आपने? हमने ये नहीं बोला था, हमने बोला था कि किंडर जॉय मत खरीदो, आपसे मना किया था, फिर भी आपने खरीदा। अच्छा नहीं लगा? पता नहीं यार, खुद खा गए। मैं फूती ले जाऊंगा गाइस। कहाँ ले जा रहे हो फूती? हम जा रहे मॉल। क्या है, क्या कह रहा है? शॉपिंग करने जाऊंगा। जियो मार्ट में ना ऑफर चलता है 6 से 7 तक ना, तो उसमें जो है काफी, मेरे ख्याल से 20% या 30% की छूट चल रही होगी, तो चलो लाते हैं थोड़ी खरीदारी करके वहाँ से सामान, देखते हैं क्या है। अरे मैं पहुँच पाऊंगा तेरे को, तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं, ये हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, जो ये बरेली का सबसे बड़ा मॉल है, हम वहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि वहाँ 6 से 7 तक ऑफ़र लगते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सामान लेना है ग्रोसरी का, तो फिर वहीं से ले लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे बरेली में भी काफ़ी अब ना चेंजिंग आ गई है। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई है ना, ये सब टूट के बन रहा था पहले, और अब आप लोग देख रहे होंगे एकदम से अंधेरा कैसे हो गया। तो जब हम गए थे उसके बाद ना, हम आधा एक घंटे तक जाम में फंसे रहे, और बड़ी मुश्किल से फिर गाड़ी निकाल के ना सनी वहाँ से हमें वापस ले आया। हम फिनिक्स मॉल से पहले ही ना सड़क बन रही है, तो वहाँ बहुत भीड़ थी, जाम लगे हुए, तो वहाँ से वापस घर आ गए। और घर आके अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने का जुगाड़ करेंगे अब कुछ, क्योंकि हमने सोचा था खा भी आएंगे कुछ, लेकिन अब खाने का वो नहीं है, घर में ही खाना है। और मनु गुस्से हो गया था, मनु का मुँह हाथ धुलवा दिया मैंने, हमारा तो वही हिसाब हो गया कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो घर वापस आ गए हैं अब कपड़े वगैरह चेंज करके, तो चलो बनाते हैं कुछ। लेकिन उससे पहले ये अभी जब हम बाज़ार गए थे ना, जब मॉल जा रहे थे तभी ये हमारा सामान आया था, तो ये दिखाती हूँ मैं। ये रैक है जो दीवार पर लगाने वाली होती है ना, ये वो हैं, तो ये मंगाई है प्रिया ने। तो देखिए ये कैसी आई है, दिखाती हूँ अभी मैं। मनु खोल रहा है इसको, कोशिश करके खोल रहा है, दिखाते हैं अभी आप लोगों को। इसमें चम्मच, कड़छी और संडासी वगैरह ना, बहुत सारा सामान टंग जाता है दीवार पे ना, तो ये वही मंगाई है। पहले तो देखिए दूसरी तरह की चलती थी, लेकिन अब दूसरी चलने लगी है, चेक टाइप में है ये, ऐसे ही ये दीवार पर लग जाएगी और इस पर सामान टंग जाएगा इस तरह से ना। तो इसमें डबल हुक हैं जो आप देख रहे होंगे, इसमें कप भी टंग सकते हैं नीचे की तरफ ना, कप टंग जाएँ, ऊपर से कड़छी वगैरह टंग जाए तो बड़े आराम से टंग सकती हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छी लगी मुझे, तो ये मंगाई है। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा मुझे ज़रूर। और इसे गिफ्ट को देखने के बाद देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ दलिया। तो दलिया मैंने भिगो दिया था, भून के थोड़ा सा और भिगो दिया था, और उसके बाद ये देखिए मैंने सब्ज़ियाँ तैयार कर ली हैं और छौंक लगा दिया है, और इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक डालकर मैं लगाऊँगी इसमें 2 सीटी, ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना घड़ा, जो मैंने अपने अंदर टेबल पे रख लिया है। तो घड़े में पानी बहुत ठंडा हो जाता है, इसे पंखे में रखिए तो काफ़ी ठंडा रहेगा, रसोई में रखेंगे या उसे बालकनी में रखेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, तो इससे बड़ा फ़ायदा रहता है। घड़े के पानी के, पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को किसी ब्लॉग में बताऊँगी।
तो ये देखिए मैंने भी ले लिया है घड़ा, आप लोग भी चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि अभी पानी ना बहुत गर्म लगने लगा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो घड़ा ले लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग तो मुझे बताइएगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है जो मैं आज शाम को आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी, छोटी सी एक वीडियो डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और घड़े का पानी पीजिए। घड़े का पानी पीने में बहुत फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट है इसके, और इसके अंदर तांबे का एक लोटा या एक गिलास ज़रूर डाल दीजिए, ताकि आपको पानी का पूरा फ़ायदा मिले। क्यों डालते हैं और क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी या किसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए टेक केयर।